एवरी वन वेलकम टू माई चैनल लर्निंग विद प्राची आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नाइन जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स दिस वीडियो इज अडिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है समझ में आए टू लाइक दिस वीडियो तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है पर्सनैलिटी उसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स दैट इज क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थियोरी मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है तो क्लास इलेवेंथ में भी हमने साइकोलॉजी की बात करी थी कि एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसको कॉम्पिटिशन्स में ग्राउंड पे बहुत प्रेशर फील करता है वो ठीक है बहुत प्रेशर उसे फेस करना पड़ता है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से जो मदद करता है स्पोर्ट्स पर्सन को एक पॉजिटिव बिहेवियर रखने में ड्यूरिंग ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन टू इंक्रीज़ परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो मदद करती है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म करे उसका बिहेवियर अच्छा है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे एंड जब बहुत ही प्रेशराइजिंग सिचुएशंस उसके सामने आती है तब भी वो अपना मेंटल बैलेंस ना खोए एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे ये जो प्लेयर है ये जो प्लेयर है इसकी जो टीम है वो हार गई लेकिन इसका एक पॉजिटिव बिहेवियर है कि वी लॉस द गेम बट प्ले रियली वेल एंड फील लाइक वी वन वहीं ये जो प्लेयर है इसकी जो टीम है वो जीत गई है लेकिन वो बोल रहा है कि वी वन द गेम बट कुड हैव डन बेटर एंड वी आर नॉट हैप्पी तो इसका एक नेगेटिव बिहेवियर है डिस्पाइट द फैक्ट ये जो है इसकी टीम जो है वो जीत गई तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो मदद करता है हर प्लेयर को कि वो एक अपना मेंटल बैलेंस जो है अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छा रख सकें एंड इमोशनली भी बैलेंस रहें मेंटली भी बैलेंस रहें एंड उनको मदद करता है एनजाइटी और स्ट्रेस से डील करने में तो दोस्तों वॉट इज़ पर्सनैलिटी जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं हमारे मन में पहला ख्याल यही आता है कि वो पर्सन बहुत अच्छे से बात करता होगा या बहुत अच्छा दिखता होगा लेकिन पर्सनैलिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है पर्सनैलिटी में आ जाता है फिजिकल अपीरेंस इमोशंस एटीट्यूड बिहेवियर यानी वो पर्सन कैसा दिखता है वो पर्सन कैसा सोचता है वो पर्सन पब्लिकली कैसा बिहेव करता है और उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है ये सारी चीज़ें मिलके पर्सनालिटी को बनाती हैं पर्सनालिटी इज द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग बिहेविंग एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक पर्सनैलिटी यूजअली मीन्स अ पर्सन इज मच मोर देन हिज आउटर अपीरेंस अकॉर्डिंग टू बेग एंड हुड पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटैलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो पर्सनैलिटी में फिजिकल अपीयेंस के साथ साथ थाट्स फीलिंग्स और बिहेवियर्स भी आता है तो शन होते हैं अगर आपको इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको बताने हैं पर्सनैलिटी के चार डायमेंशन जो होते हैं फिजिकल मेंटल सोशल और इमोशनल तो पहला हमने डिस्कस करा कि पहला ख्याल पर्सनैलिटी को सुनकर आता है फिजिकल अपीरेंस तो फिज़िकल अपीरेंस भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है वो पर्सन कैसा दिखता है उसका शेप कैसा है उसका साइज़ वेट हाइट वो पतला है दुबला है वो छोटा है या लंबा है उसका स्किन कलर क्या है तो ये सारी चीज़ें फिजिकल अपीरेंस को बनाती हैं फिर आ जाता है मेंटल यानी वो पर्सन सोचता कैसे है उसके आइडियाज़ क्या हैं उसको चीज़ों के बारे में कितना नॉलेज है वो इंटेलिजेंट है या नहीं वो सही और गलत में फ़र्क कर पाता है या नहीं उसकी जजमेंट चीज़ों को लेके ठीक है कि नहीं ये सारी ही चीज़ें एक पर्सन की मेंटल एबिलिटीज़ को बनाती हैं सोशल फैक्टर इसमें आ जाता है कि वो पब्लिक में कैसे बिहेव करता है वो लोगों के साथ एडजस्ट कर पाता है या नहीं लोगों के साथ कॉपरेट करता है या नहीं डिसिप्लिन है या नहीं लोगों के साथ उसको अच्छा लगता है या वो अकेले रहना पसंद करता है तो ये सारी चीज़ें सोशल डायमेंशन में आ जाती हैं और लास्ट डायमेंशन है हमारा इमोशनल डायमेंशन जिसमें आता है एक पर्सन का बिहेवियर एटीट्यूड इंटरेस्ट एंगर और हैप्पीनेस यानी वो जल्दी से खुश हो जाता है या दुखी रहता है उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है या वो शांत रहता है किन किन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है उसको जल्दी से रोना आ जाता है या वो इमोशनली स्टेबल है तो ये सारी चीज़ें इमोशनल डायमेंशन में आ जाती हैं जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको हर पॉइंट को थोड़ा समझाना है जैसे शेप आ गया तो आपको बताना है कि वो दुबला पतला है या मस्कुलर बॉडी है तो ये सारी ही चीज़ें मिलकर पर्सनालिटी को बनाती हैं तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंग्स क्लासिफिकेशन जंग बोलते हैं कि मैं तो सोशल डायमेंशन के बेसिस पे डिवाइड करूंगा। यानी कि वो पर्सन पब्लिक में कैसा बिहेव करता है वो लोगों से ज़्यादा बात करता है या अकेले रहना पसंद करता है तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोशल डायमेंशन पर्सनैलिटी इज ऑफ टू टाइप्स इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड जो अकेले अकेले और अपने में ही रहना पसंद करते हैं और एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी लोगों से मिलने में ज़्यादा यकीन रखते हैं ऑल राइट right? तो इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी में आ जाता है शाइनेस सोशल विड्रॉल टॉक लेस दे हैव देअर ओन इंटरनल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज थाट्स बिहेवियर्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड तो जो इंट्रोवर्ड लोग होते हैं वो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं उनको ज़्यादा लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता और वो सोशल इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते उनको अकेला रहना ही अच्छा लगता है वो सेंसिबल और रिजिट होते हैं और इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी हम पोइट्स और आर्टिस्ट लोगों में देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शेर व शायरी करते हैं और आर्टिस्ट होते हैं उनमें हम ये क्वालिटीज देख सकते हैं और एक्स्ट्रोवर्ड पर्सनालिटी कौन होते हैं जो बहुत ही आउट गोइंग फ्रेंडली टॉकेटिव सोशल होते हैं उनको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि जब वी मेट के गीत वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ड पर्सनालिटी थी दे प्रिफर कॉन्टैक्ट्स जनरस सपोर्टिव करेजिस प्रेफर कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या है वो लोगों से बात करने में उनसे मिलने जुलने में उनसे रिश्ते रखने में यकीन रखते हैं इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियालिटी दैन फ्यूचर तो जो इंट्रोवर्ड होते हैं वो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले होते हैं लेकिन एक्स्ट्रोवर्ड जो है वो प्रेजेंट में जीने में यकीन रखते हैं एक्सप्रेस दर फीलिंग्स ओपनली टेक डिसीशंस क्विकली नॉट अफेक्टेड ईजिली विथ डिफ़िकल्टीज तो अपनी फीलिंग्स को खुल के बताते हैं इंट्रोवर्ड जो होते अपने मन में ही रखते हैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते लेकिन एक्स्ट्रोवर्ड जो है सभी से बात करने में अपनी फीलिंग्स को खुल के बताने में यकीन रखते हैं और ये जो क्वालिटीज़ हैं हम पोलिटिकल लीडर्स और एक्टर्स में देख सकते हैं तो जंग के हिसाब से दो टाइप के लोग होते हैं या तो लोग इंट्रोवर्ड होते हैं या तो लोग एक्स्ट्रोवर्ड होते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेग फाइव थ्योरी अब बेग फाइव थ्योरी ये कहती है कि सारे ही लोगों में ये पांच तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं लेकिन कुछ लोगों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी हाई डिग्री में है कुछ लोगों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लो डिग्री में फॉर एग्जाम्पल इमोशनल क्वेश्चन सारे ही लोग इमोशनल होते हैं लेकिन कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं कुछ लोग कम इमोशनल होते हैं जैसे कि नेहा कक्कड़ वो एक्सट्रीमली इमोशनल है तो उनको इमोशनल क्वेश्चन पे हाई डिग्री मिलेगी हाई स्कोर मिलेगा ठीक है तो इसमें पांच क्वालिटीज कौन कौन सी है ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी जो पर्सन है वो न्यू एक्सपीरियंसेस की तरफ कितना ओपन है वो क्यूरियस है कि नहीं वो क्रिएटिव है कि नहीं उसको आर्ट पसंद है या नहीं वो अपने इमोशंस को दिखा पाता है या नहीं तो दे अप्रिशिएट आर्ट एक्सप्रेस हाई इमोशंस परफॉर्म्स एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ अनयूजल आइडियाज़ क्यूरियस क्रिएटिव अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन टू एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कुछ लोग कम ओपन टू एक्सपीरियंस हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वालिटी है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का मतलब है वो पर्सन गोल ओरिएंटेड है कि नहीं उसकी लाइफ में कोई गोल है कि नहीं वो ड्यूटीफुली एक्ट करता है कि नहीं वो डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं तो कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियसनेस में बिलीव रखते हैं कुछ कम में दे हैव अ टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन एक्ट ड्यूटीफुली एम फॉर अचीवमेंट बिहेवियर इज प्लान एंड नॉट स्पॉन्टेनियस एक्स्ट्रोवर्जन अभी हमने बात करी एक्स्ट्रोवर्ड के बारे में तो ज़्यादा खुल के अपनी बात को बताते हैं ज़्यादा टॉकटिव रहते हैं सो दे हैव हाई एनर्जी पॉजिटिव इमोशंस सोशल एबिलिटी एंड टॉकेटिव तो कुछ लोग ज़्यादा खुलकर अपनी बातों को बता पाते हैं कुछ कम बताते हैं अग्रीबलनेस दे आर कंपेशनेट कॉपरेटिव टूवर्ड्स अदर्स हेल्पफुल एंड ट्रस्ट वर्दी एग्रीबलनेस का मतलब है कि वो पर्सन को हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं वो लोगों से प्यार करता है कि नहीं कंपैशनेट है कि नहीं हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं तो ये होता है अग्रीबल्नेस नेक्स्ट क्वालिटी इज न्यूरोटिसिज्म न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि वो पर्सन इमोशनली कितना स्टेबल है उसको बात बात पे रोना आ जाता है या वो इमोशनली स्टेबल है न्यूरोटिसिज्म रेफर्स टू द डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंग्री एंजाइटी डिप्रेशन एंड वल्नरेबिलिटी यानी कि उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है वो जल्दी से एंशियस हो जाता है जल्दी से इमोशनल हो जाता है या वो इमोशनली स्टेबल है तो दोस्तों ये चार्ट हम देख सकते हैं जिसमें बिग फाइव पर्सनालिटी डायमेंशन दिए हैं जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस में अगर वो हाई है तो वो इमेजिनेटिव क्यूरियस ओपन टू न्यू आइडियाज है लो है तो नैरो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लाइक द ट्राइड एंड ट्रू इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है तो स्टेबल और कॉन्फिडेंट है लो है तो मूडी और लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कॉन्शियसनेस में रिस्पॉन्सिबल है डिपेंडेबल है गोल ओरिएंटेड है या फिर इम्पल्सिव और केयर फ्री है अगर स्कोर लो हुआ तो अग्रीबल्नेस हाई है तो वो वार्म कंसिडरेट और गुड नेचर का है सभी की मदद करता है उस पर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन अग्रीबल्नेस कम हो तो वो अकेला अकेला रहता है और चिड़चिड़ा रहता है एंड लास्ट इज एक्सट्रोवर्जन अगर हाई है तो आउट गोइंग एनर्जेटिक और ग्रिगारियस है और लो है तो क्वाइट विद्रॉन रहता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन अग्रेशन का मतलब है बहुत गुस्सा आ रहा है दो प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा क्यों होता है और अग्रेशन का मतलब क्या है द टर्म अग्रेशन रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्मेल्फ अदर्स और ऑब्जेक्ट इन द इनवाट तो अग्रेशन का मतलब है एक ऐसा बिहेवियर जो सामने वाले व्यक्ति को या तो फिजिकली चोट पहुंचा सकता है या फिर मेंटली चोट पहुंचा सकता है अकॉर्डिंग टू बैरन एंड रिचर्डसन अग्रेशन इज इन एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डिरेक्टेड टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजीनियरिंग अनादर लिविंग बींग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट तो अग्रेशन का मतलब है किसी भी तरह से सामने वाले व्यक्ति को इंजुरी पहुंचाना हार्म पहुंचाना पर्पज ऑफ अग्रेशन इज टू एक्सप्रेस एंगर टू अजर डोमिनेंस टू थ्रेटन टू अचीव गोल तो अग्रेशन दिखाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं या तो उस पर्सन को गुस्सा आ रहा है या फिर वो सामने वाले पर्सन को डराना चाहता है धमकाना चाहता है या फिर वो अपने गोल को अचीव करना चाहता है इसीलिए वो अग्रेशन दिखा रहा है तो दोस्तों अग्रेशन कितने टाइप का होता है अग्रेशन तीन टाइप का हो सकता है इम्पल्सिव और हॉस्टाइल अग्रेशन इंस्ट्रूमेंटल या फिर हॉस्टाइल अग्रेशन को हम रिएक्टिव या फिर अफेक्टिव अग्रेशन भी कहते हैं ये एम में आ सकता है अब हॉस्टाइल अग्रेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है क्यों दिखाता है एक पर्सन हॉस्टाइल अग्रेशन उसका प्राइमरी गोल होता है ऑफ इंजरिंग अनादर पर्सन और प्लेयर मतलब गेम का चाहे कुछ भी हो हमारे गोल का चाहे कुछ भी हो प्राइमरी एम उस पर्सन का यही होता है कि वो सामने वाले प्लेयर को इंजर कर सके कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ एंगर एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफन इंस्टेंट एंड नॉट प्लांट यानी वो इंस्टेंटली होता है प्लांट नहीं होता है और मेन एम इसका यही होता है टू कॉज इंजुरी और फिजिकल हार्म टू अनादर पर्सन तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर तो हम क्रिकेट में देखते हैं बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिसमें बॉलर को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हॉस्टाइल अग्रेशन जाहिर कैसे करता है एक बाउंसर फेंक के जिससे काफ़ी बार जो सामने वाला बैट्समैन है उसको चोट लग जाती है तो वो हो जाता है हॉस्टाइल अग्रेशन हमारा नेक्स्ट अग्रेशन है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन अब इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन का गोल क्या होता है हैज इंटेंट टू हार्म अनादर पर्सन बट द सुपर ऑर्डिनेट गोल इज टू अचीव एन आउटकम दैट इज़ बेनिफिशियल टू द प्लेयर और द टीम मतलब इंजर तो करना ही है सामने वाले को बट वो प्राइमरी गोल नहीं है प्राइमरी गोल है अपने गोल को अचीव करना अब चाहे उसके लिए दूसरों को हार्म पहुंच रहा हो

जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि गोल करने के लिए जो फुटबॉलर है वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है वो आसपास वाले को इंजर भी कर सकता है हार्म भी कर सकता है बट प्राइमरी गोल उसका क्या होता है गोल करना ना कि दूसरों को हार्म करना और इम्पलसिव या हॉस्टाइल अग्रेशन में प्राइमरी गोल इंजर करना ही होता है दोस्तों हमारा लास्ट टाइप ऑफ अग्रेशन है असर्टिव अग्रेशन इट इज बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पज फॉर एग्जाम्पल स्लेजिंग इन क्रिकेट तो दोस्तों ये जो अग्रेशन होता है ये लेजिटिमेट होता है यानी कि ये इलीगल नहीं होता है और इसमें क्या होता है सामने वाले प्लेयर को कुछ ऐसा भला बुरा कह देना ताकि उसको गुस्सा आ जाए या फिर वो अपने गेम से अपने फोकस को खो दे जैसे कि स्लेजिंग होता है क्रिकेट में यानी कि सामने वाले प्लेयर को कुछ भला बुरा कह देना ताकि उसका जो फोकस है वो गेम से हट जाए हम एक मैच का एग्जाम्पल लेते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है 2016 हज़ार की फोर्थ ओडीआई की तो जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है वो कोहली को थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए या उसका गेम से फोकस हटाने के लिए क्या बोलता है I see you tried to smash me there, mate, giggling. तो वो जानबूझकर कोहली को बोल रहा है कि तुम मुझे uh, मेरी बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हो पर तुम कर नहीं पा रहे हो। तो कोहली क्या बोलता है? I have smashed you enough in my life. Now just go and concentrate on ball.